नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे आपको न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे एक स्टोर से आपने परचेस भी किया होगा। तो आफ्टर न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर थीम में एलिमेंटर यूज़ होता है। ठीक है, तो एलिमेंटर की वजह से वेबसाइट स्लो हो जाती। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि न्यूज़पेपर थीम यूज़ करने के बाद आपको क्या सेटिंग करना होगा ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी बन जाए। 90+ आपको स्पीड बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल तो कर देते हैं लेकिन उनकी वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि आपको क्या सेटिंग करना होता है, कौन सा प्लगइन आपको न्यूज़पेपर थीम के साथ आपको यूज़ करना होगा ताकि आपकी वेबसाइट 90+ की स्पीड ला सके। अभी मेरी वेबसाइट की स्पीड आप देख सकते हो 65 के समथिंग है। ठीक है, तो मैं इसको 90+ के समथिंग कैसे लाऊंगा, कौन सा ऐसा प्लगइन है मैं इंस्टॉल करूंगा और आपको मैं इसकी स्पीड 90+ बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है, मूवी की वेबसाइट है, और इसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको न्यूज़पेपर थीम मेरे इस स्टोर में जाकर आपको परचेस करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर थीम 12 आपने इंस्टॉल किया होगा। तो यहाँ यदि आपने नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप इसको 120 रुपीज़ समथिंग इसका प्राइस मैंने रखा है, क्योंकि 3000 इसका सब्सक्राइबर मैंने लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। 3000 लोग इसको परचेस करेंगे तो तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो 120 रुपीज़ में आप इसको परचेस करके अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इसको इंस्टॉल करना, मैंने बताया लास्ट वीडियो में, आप देख लेना कैसे इसको परचेस करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर थीम में एलिमेंटर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको एक प्लगइन मैं बताऊँगा, जो प्लगइन का नाम है WP Rocket, जो 140 रुपीज़ का मैं इसमें स्टोर में रखा है। आपके पास हो तो ऑलरेडी हो आपके पास, तो आपको क्या सेटिंग करना होता है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि नहीं है तो इसमें जाकर आप परचेस कर सकते हो, तो इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप मेरे स्टोर में जाकर इसको परचेस कर सकते हो। तो इसके बाद आपको ये WP Rocket मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, तो मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा और क्या क्या मैं सेटिंग करता हूँ ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, तो मैं जस्ट इसको इंस्टॉल करूँगा और जस्ट मिनट, SEO में मैंने डाला हुआ है WP Rocket जो मैंने अभी परचेस किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है WP Rocket का इंस्टॉल, तो WP Rocket मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बताऊँगा कि कितनी मेरी वेबसाइट की स्पीड हुई है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट की स्पीड 64 है और डेस्कटॉप में आप 89 है। ठीक है, न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, अभी मैं ये प्लगइन एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद मैं जो जो सेटिंग आपको बताता हूँ उस सेटिंग को आपको ध्यान से देखना है ताकि आपकी वेबसाइट भी ऐसे ही 90+ के स्कोर देते रहे। ठीक है, तो सेटिंग में जाना है आपको, WP Rocket के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें अनलिमिटेड मैंने ये एक्टिवेट हो गया है। और ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है कैचिंग में और इनेबल फॉर मोबाइल डिवाइस कर देना है, सेपरेट फाइल फॉर मोबाइल डिवाइस कर देना है। उसके बाद आप फाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपको मिनीफाई CSS करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है JS फाइल के लिए, डेट्स ऑल, और सेव चेंजेस कर देना है। यदि आपको ये सब सेटिंग इनबिल्ड चाहिए तो आपको मैं एक फ़ाइल दूंगा जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट आपको यहाँ पर जाकर इंपोर्ट ही करना है। तो ये सेटिंग फाइल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है और ये सेटिंग मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको WP का जो सेटिंग है फाइल, सेटिंग फाइल ये वाली जो मैं आपको दे दूंगा, और इसको जस्ट आपको अपलोड एंड इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करते ही जो भी सेटिंग है सब ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी।
ठीक है, तो ये सेटिंग इसमें ऑलरेडी सब कुछ आ गई। अभी आप इसको जस्ट आपको क्लियर कैच कर देना है। ओके, क्लियर कैच करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेना है, जो 65 थी अभी कैच में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कैच क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मैंने न्यूज़पेपर थीम डाला है और काफ़ी दिनों से मैंने इसको कैच क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो ये अब मैं इसमें एनालाइज़ करके बताता हूँ कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 65 मेरी वेबसाइट की स्पीड थी, अभी कितनी हो जाती है। जस्ट एक छोटा सा प्लगइन है WP रॉकेट, आपको इंस्टॉल करना है और अपनी वेबसाइट को रॉकेट की तरह भगाना है। तो विद इन एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप WP रॉकेट में कुछ गलत सेटिंग कर दोगे तो इस तरीके की एरर आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको WP रॉकेट को फिर से चेक करना है कि क्या सेटिंग गलत हुई है। ठीक है, तो जस्ट मिनट, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसमें सेटिंग में बताता हूँ आपको। इसको हटा देते और ये भी हटा देते और सेव चेंजेस कर देते। ठीक है, दो सेटिंग ही किया है मैंने, मिनीफाई जावा स्क्रिप्ट फाइल और मिनीफाई CSS फाइल। ठीक है, और मीडिया ऑलरेडी इसमें दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गई, क्लियर कैच कर देता हूँ। अभी एक बार अपनी वेबसाइट को विज़िट करके देखिएगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैं जस्ट अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ न्यू टैब में। अभी मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन होने देते हैं कि कैसी क्या, मतलब सही है कि नहीं सब कुछ। ठीक है, तो सब कुछ सही है। ठीक है, अभी मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करके बताता हूँ आपको। ऐसा कभी भी आपको आता है तो समझ लीजिएगा आपकी वेबसाइट में कुछ सेटिंग ख़राब हो गई है, तो डरने की बात नहीं है, आपको WP रॉकेट की जो भी सेटिंग है उसको वन बाई वन चेक करना है। ठीक है, और अलग अलग वेबसाइट की अलग अलग सेटिंग होती है, तो आपको मैनुअल वन बाई वन टिक करके आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते रहना है कि जिस सेटिंग में आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है वो सेटिंग आपके लिए सबसे अच्छी सूटेबल रहती है। ठीक है, तो हर एक वेबसाइट का, क्योंकि होस्टिंग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। डेस्कटॉप में 92 हो गई और मोबाइल में 54 है, तो इसमें अभी अपन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि CSS इसमें ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो CSS आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा कि धीरे धीरे आपको कैच में जाना है। उसके बाद आपको ये वाला टिक मार्क हटा देना है क्योंकि इसमें यह सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे एक एक करके आपको सेटिंग करना है। ठीक है, ये हो गया सेटिंग। उसके बाद फाइल CSS कॉम्बाइन CSS में रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस करता हूँ, फिर से जाकर क्लियर कैच करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ी है कि नहीं। वन बाई वन हर एक ऑप्शन को आपको ट्राई करना होगा क्योंकि ये ऑप्शन हर एक की वेबसाइट में काम नहीं करेगा, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग सबका अलग, मतलब होस्टिंग अलग अलग होती है, सभी की रैम अलग होती है, सभी का मतलब सब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो वन बाय वन आपको ये सेटिंग चेक करते रहना है कि अपनी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी सेटिंग कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे वन बाय वन तो आपको पता चलेगा कि कौन सी सेटिंग से मेरी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाती है। देखिएगा, ये मैंने सेटिंग किया, क्लियर कैच किया, उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करके देखता हूँ कि कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो वन बाय वन आपको ये सेटिंग चेक करते रहना है और एक बार आप ऐसे सीख जाओगे, मतलब अपने आप ही करना है ये आपको। ठीक है, क्योंकि मैं ये सेटिंग फाइल आपको दे दूँगा लेकिन ये सेटिंग फाइल मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, मेरे वेबसाइट के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, तो ये वेबसाइट में वो सेटिंग काम नहीं करेगी, आपकी वेबसाइट में भी शायद वो सेटिंग काम ना करे। इसलिए आपको वन बाय वन आपको चेक करना है कि हर एक सेटिंग कैच में जाना है, हर एक सेटिंग को आपको चेक करना है
कि इस सेटिंग को मैंने क्लिक किया, सेव चेंजेस किया, क्लीन कैच किया और मेरी वेबसाइट की स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन ये WP रॉकेट से आपकी वेबसाइट बढ़ जाएगी, 90 प्लस आपको वेबसाइट की स्पीड देखने को मिलेगी। जस्ट आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड किस सेटिंग में अच्छी देती है, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट की स्पीड मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट मिनट, थोड़ा इंटरनेट स्लो है इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी आ रही है। एक बार यहाँ पर जाकर देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट अभी वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। देखिए मेरी वेबसाइट सही तरीके से न्यूज़पेपर 12 थीम के साथ चल रही है, काफ़ी फास्ट। अभी मैं स्पीड इसमें देख लेता हूँ, 31 हो गई, मतलब वो सेटिंग काम नहीं कर रही। तो फिर से यहाँ जाने का है आपको, ये टिक मार्क हटा देना है, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी चेक करना है, रिमूव करना है, कंबाइन CSS मैं रख देता हूँ, लोड जावास्क्रिप्ट भी रख देता हूँ, डिले एग्जीक्यूशन भी रख देते और सेव चेंजेस कर देते। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। मतलब इसी पेज में जो सेटिंग दिया है वही सेटिंग आपको चेक करते रहना है, और एक टाइम आपको ऐसा दिखेगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड 90 प्लस हो गई होगी। मैं बता देता हूँ अभी, धीरे धीरे मैं वन बाय वन आपको सेटिंग करके बताता हूँ। आपकी वेबसाइट में भी ऐसे ही होगा, मैं जो सेटिंग बताऊँगा वो सेटिंग आपकी वेबसाइट में काम ना करे, लेकिन आपको वन बाय वन चेक करना है, ठीक है। तो मैं फिर से इसमें चेक करता हूँ, देखता हूँ 31 जो स्पीड थी उससे क्या फ़र्क पड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम रुककर आपको चेक करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैच क्लीन करते रहता है। देखिए कैच ऑल द फाइल, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा आपको वे केयरफुल्ली मतलब इसको देखना है कि किस सेटिंग में आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 82 हो गई इसमें, ठीक है, मतलब ये सेटिंग मेरी काम कर रही है। कहाँ 64 की स्पीड थी, इसमें 82 की हो गई। और डेस्कटॉप में मेरी 96 हो गई, ठीक है। तो थोड़ी सी और सेटिंग बाकी है जो आप अपनी वेबसाइट में वन बाय वन करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लेजी लोड वाला काम नहीं कर रहा है। तो लेजी लोड का एक प्लगइन जो इंस्टॉल आपको करना होगा, तो जस्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको लिखना है लेजी लोड, लेजी लोड, ठीक है। तो ये प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ये वाला जो उसमें डिसेबल था, तो ये वाला प्लगइन उसके काम करेगा, ठीक है। और इसके सेटिंग में जाना है आपको, एक मिनट, इसके सेटिंग में जाकर आपको तीनों क्लिक कर देना है और सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे फिर से एक बार कैच क्लीन कर देना है आपको, ओके। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेना है। आई थिंक इस बार तो 90 प्लस हो गई होगी, देख लेते, या फिर नहीं हो रही है तो आपको वन बाय वन उसकी सेटिंग चेक करना है। और ये प्लगइन आपको मेरे इस स्टोर में मिलेगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इससे आप परचेस कर सकते हो WP रॉकेट। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि WP थीम्स जो न्यूज़पेपर 12 है, अस्ट्रा प्रो यदि आपको अच्छी लग रही हो, आपकी वेबसाइट में सूटेबल हो, अस्ट्रा प्रो भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट मतलब थीम्स है, आप परचेस कर सकते हो। जनरेट प्रेस ज़्यादातर लोग यूज़ करते क्योंकि ये लाइट वेट और ये एडसेंस अप्रूवल के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो जनरेट प्रेस भी मैंने रखा हुआ है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो 81 हो गई, मतलब ये 95 81, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आपको करना होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो इमेजेस डाला है वो इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मैंने कोई प्लगइन नहीं डाला है, इस वजह से ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, नहीं तो इसमें 90 प्लस मोबाइल में आ जाती, ठीक है।
तो भी 64 से 81 काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सेटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।